हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में देखते हैं ओपन इंटरेस्ट कैसे काम करता है और उसकी महत्वपूर्ण क्या है। आज इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को फीचर एंड ऑप्शन में इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि मार्केट के टाइम उसे देखना जरूरी है। उसी के माध्यम से मार्केट का बुलिश और बेरिश को समझना आसान होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सिंपल एग्जांपल के साथ बताऊंगा, क्योंकि समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे ओपन इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं NSE के साइट पे ऑप्शन चैन इक्विटी डेरिवेटिव में हम देखते हैं। बैंक निफ्टी एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। वह एक्सपायरी डेट है 18 जून 2020 और बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है मार्केट फ्राइडे के दिन 20,654। चलो यहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस लेते हैं 21,000 का स्ट्राइक प्राइस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सिंपल से आपको समझ में आ जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 3,23,420 और 1,05,000 यहाँ पे एडिशनली बिल्ड हुआ है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखा जाए तो वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़ चुका है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने कोई यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि स्ट्राइक प्राइस के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे ये पुट राइटिंग का है और यहाँ पे कॉल राइटिंग का है, इसके हिसाब से हमें समझ में आना चाहिए कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको दिखा दूँगा एक एग्जांपल के साथ। चलो देखते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे एक बायर और एक सेलर भी यहाँ पे आपको बता दूंगा। एक बायर है सुरेश के नाम से और एक सेलर है रमेश के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सुरेश ने बाय किया रमेश के यहाँ से 100 शेयर्स। ओके, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सिंपल सी बात मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद सुरेश ने सेम डे पे 50 शेयर सेल किया है रमेश को और बाकी का जो 50 शेयर बचा है वो कैरी फॉरवर्ड किया, मतलब डिलीवरी किया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों के बीच में। और तीसरा बंदा यहाँ पे आया है महेश करके, और महेश ने 200 शेयर सुरेश के यहाँ से खरीदा है ट्यूसडे के दिन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मंडे के दिन यहाँ पे क्या किया, सुरेश ने 100 शेयर खरीदा है और 50 शेयर्स बेचा है, बाकी 50 शेयर्स उसने कैरी फॉरवर्ड किया है। ओके, फिर महेश ने तीसरा बंदा जो आया है सुरेश के यहाँ से 200 शेयर्स खरीदा है। ओके, फिर उसने उसी दिन महेश ने 150 शेयर्स रमेश को बेचा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ओके, और वॉल्यूम कितना हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट कितना हुआ है यहाँ पे चलो देखते हैं। रमेश ने सेल किया 100 शेयर्स और 150 बाई किया है, मतलब 100 शेयर्स ड्यूरिंग की मार्केट की ड्यूरिंग में इसने बाई करके रखा है, मतलब 100 शेयर सेल किया है, उसके बाद फिर 50 शेयर खरीद लिया सुरेश के साथ। फिर बाद में फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने 50 शेयर्स खरीदा है। ओके, पूरा टोटल उसने वॉल्यूम कितना बढ़ाया, 300 शेयर्स के हिसाब से वॉल्यूम यहाँ पे बिल्ड हुआ है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो 100 शेयर का ही हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 300 हुआ है वॉल्यूम। ओके, अगर तीसरा बंदा आया है महेश, उसके बीच में किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सुरेश के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 300 शेयर्स। ओके, और सुरेश ने 150 महेश से, ओके, महेश से 150 सेल किया है और सुरेश से सेल किया है, ठीक है, बाकी कैरी फॉरवर्ड किया है, इसका मतलब है वॉल्यूम हुआ है पूरा 500 शेयर्स। ठीक है, टोटल वॉल्यूम हुआ है 500 प्लस 300, 800 शेयर वॉल्यूम है और कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है तीनों के बीच में। ठीक है, आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है और वॉल्यूम कितना हुआ है और कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वांटिटी भी यहाँ पे महत्वपूर्ण रखता है। इसके माध्यम से ही यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई देता है कि चार्ट के हिसाब से देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन चैन।
ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए, आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे आपने ओपन इंटरेस्ट कैसा बिल्ड हुआ है और एडिशनल कैसा हुआ। एडिशनल हुआ मतलब ये तीसरा बंदा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में किया है, इसके लिए यहाँ पे एडिशनल हुआ है। ओके फ्रेंड्स, और वॉल्यूम हुआ है यहाँ पे इनके बीच में जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई देता है फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के माध्यम से हम देखते हैं कि मार्केट में बुलिश है या बेरिश है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें समझ में आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको और एक एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे एक चार्ट पे देखिए, अगर प्राइस एक्शन कैसा होता है और मार्केट के स्ट्रॉन्ग और वीक के माध्यम से यहाँ पे वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट कैसे बढ़ता है और कैसे उतरता है, यहाँ पे दिखते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग रहेगा तो प्राइस राइजिंग रहेगा ऑब्वियसली। ओके, प्राइस अगर राइज अगर ऊपर होता रहेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। अगर मार्केट वीक है तो भी प्राइस राइजिंग होएगा और वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट कम होता रहेगा, क्योंकि मार्केट वीक के वजह से उन लोग क्या एग्जिट होते रहेंगे। ओके, तीसरा एग्जांपल है, मार्केट अगर फिर से वीक रहेगा तो डिक्लाइन, प्राइस अगर डिक्लाइन रहेगा तो यहाँ पे देख लीजिए वॉल्यूम बढ़ेगा और ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस डिक्लाइन हो रहा है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे समझना आपको ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा होता है और ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम कैसे यहाँ पे मार्केट में दिखता है, ये आपको समझना ज़रूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट अगर स्ट्रांग है और प्राइस डिक्लाइन हो रहा है तो वॉल्यूम भी डाउन होएगा और ओपन इंटरेस्ट भी डाउन होएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट के ड्यूरिंग में अगर ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप सक्सेसफुली आप प्रॉफिट पा सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, आने वाले वीडियो के देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।